लेमरा न्यूज आज ही सब्सक्राइब करें लेमरा न्यूज और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जाना है गोरखपुर, हम लोग के पास पैसे नहीं है, 3 बच्चे ले, 4 आदमी, बताओ कैसे जाएं हम लोग। सरकार कोई सुविधा नहीं दे रखे हैं, खाने पीने के लिए सब देते हैं लेकिन पहुंचाने के लिए कौन पहुंचाएंगे घर, बताइए। 3 आदमी है, 3-4 बच्चे हैं, खाना वगैरह तो खाए सर, बताइए घर कैसे जाए हम लोग। कानून का कोई फ्री सुविधा नहीं, 2 बार बस में बैठे, बस वाले ने उतार दिया, कह रहे पैसे दो, बताओ हम लोग के पास पैसे नहीं है, कैसे घर पहुँचे हम लोग। रास्ते में तो मार दे हम लोग को, जब तो सही रहेंगे। मोदी ने हर कुछ में रोक लगाया, सब कुछ में रोक लगाया चला, लेकिन घर कैसे जाए हम लोग। हम लोग के बच्चे रो रहे हैं, मम्मा कैसे जाए, कैसे जाए, बच्चों क्या जवाब दे बताइए। कोई है सरकार के पास कोई उपाय है बोलने के लिए, कोई जवाब है तो बताइए हमें। क्यों ना रोए, बच्चे रो रहे हैं, हमारा हम भी रो रहे हैं सर, बताइए कैसे ना रोए हम। बस वाले में बैठ रहे, करो किराया दो, बताओ कहाँ से लेकर आए गरीब आदमी किराया, बताओ कमाने खाने वाला आदमी है हम लोग। नहीं दिल्ली में काम करते, दिल्ली से आ रहे हैं हम लोग। कैसे आए, कुछ दूर बस में आए, कुछ दूर पैदल आए हैं, ऐसे करके किस तरीके से आए हैं यहाँ तक। अब यहाँ से जाने के लिए बिल्कुल किराया नहीं है हम लोग के पास। कल ही चली थी हम लोग, कल सुबह चली थी वहाँ से, बताइए अब गोरखपुर कैसे पहुँचेंगे आप लोग ही बताइए। तो ये जो स्थिति आप देख रहे हैं वाकई में बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। फ्री सेवा चला रखे हम तो, कोई फ्री सेवा नहीं देख रहे सर, कोई सुविधा नहीं हम लोग के लिए, गरीब इंसान के कुछ है ही नहीं बिल्कुल। जो पैसे वाले वो चल जा रहे हैं आराम से, लेकिन फ्री सेवा कुछ नहीं हम लोग के लिए। ये कोरोना वायरस जो बीमारी चल रही है, इसके चलते जो कदम उठाया गया था, लॉकडाउन कर दिया गया था, ये कदम उठाए सर, और जो चल रहे इंसान पैदल उसके लिए कोई सुविधा तो होना चाहिए सर। हम लोग पैदल कैसे चलेंगे बच्चे लेके, ये बताइए आप ही, कैसे पहुँचेंगे, इतना दूर के रास्ते हैं, कैसे जाएंगे, कैसे पहुँचेंगे, कोई उपाय बताएंगे सरकार। जी काम करते हैं हम लोग दिल्ली में, लेबरगिरी करते हैं हम लोग। ये जो बहुत ही ज्यादा दिल दहलाने देने वाली बातें हैं, वाकयात सामने आ रहे हैं, ये जो लोगों का ये जो रवैया है और ये जो परेशानियां हैं, तमाम तरीकों की दिक्कतों का जिस तरीके से लोगों को सामना करना पड़ रहा है, ये बहुत ज्यादा चिंताजनक बात है। सरकार ने अगर जो लॉकडाउन का स्टेप उठाया, कदम उठाया है, वो भी जनता की भलाई के लिए, मगर उसके चलते जो गरीब वर्ग है, आम लोग हैं, जो समस्याओं का उनको सामना करना पड़ रहा है, जो लेबर क्लास के लोग हैं, जो रोजमर्रा के अतबार से कमाने खाने वाले लोग हैं, उनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं, उनको खाने पीने को नहीं है, अब वो अपने घर को भी नहीं जा सकते हैं, तो तमाम तरीकों की जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है और इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जी हम दिल्ली से आ रहे हैं, जाना है? हमें जाना वहाँ बूढ़नपुर। जी मेरे हस्बैंड और मेरे गांव के 3-4 लोग हैं, बस से आए हैं। जी नहीं अभी नहीं मिली। जी खाना वाना तो सब मिल रहा है, सब ठीक। जाना है हमें बूढ़नपुर, हाँ तो अकबरपुर के बस के लिए बैठाया सर, बोले अभी बस बैठा देंगे। गोंडा के हमें 2 घंटे हो गए खड़े खड़े आया हूँ दिल्ली से, बस नहीं मिली गोंडा के लिए, काफी देर हो गया सर। हमारे साथ कई बंदे हैं, देखो पहुँच रहे, जब भी पहुँच रहे कह रहे हैं अभी आएगी, अभी तक आई नहीं। बस किराया जो लेना है वो तो लेगा भाई, किराया जो है यहाँ 200 रुपए लगते हैं, वहाँ 600 सीधा ले रहे हैं। अब बताओ 1000 रुपए जेब में थे वो भी वहीं निकल गए सब, गाजियाबाद के आसपास में। नहीं हम लोग तो दिल्ली से आए सर। जी